होने दीजिए, वो भी चीज है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि करना कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूजर, देखिए कौन भाई पूछ रहा था मुझे यूजर कॉन्टेक्ट क्यों किया हमने, तो दोस्तों देखिए कितना टाइम लग रहा है यूजर को, ऑलमोस्ट 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा लग रहा है। तो हम इसे यहां पे स्टॉप कर देंगे, कहां पे स्टॉप का बटन, यहां पे दिख रहा है, सो इसे हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि मुझे यूजर को नहीं चलाना है। अभी हम मेन में जाएंगे और कनेक्ट करेंगे, थोड़ा रुकते हैं। देखिए दोस्तों यहां पे देखिए अभी भी यह क्या कर रहा है, यहां पे हमें दिखा रहा है इंफॉर्मेशन, थोड़ा रुकते हैं। अभी हम इसको एक बार क्लोज कर देते हैं और फिर हम इसे वापस खोलते हैं, एक मिनट रुकिए और यस करते हैं। तो तब तक ये टूल हमारा डाउनलोड हो रहा है, तो ये टूल से हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी इंजीनियरिंग फाइल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग फाइल बनाने का इन्होंने तरीका बताया, क्या लिखा है, अब मेक न्यू एम्प्टी फोल्डर योर पीसी, देन कॉपी एंड पेस्ट SBL1, SBL2, SBL3, RPMB, TZ इमेज और योर न्यूली क्रिएट फोल्डर। चलो ये भी मैं आपको स्टेप टू स्टेप समझाऊंगा, सारे स्टेजेस समझाऊंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। तो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, किसे, किसी भी, देखिए यहां पे प्रॉपर इरेज नहीं हो रहा है दोस्तों, तो चलते हैं हम इसे, इरेज तो करना है हमें, ये इरेज नहीं हो रहा है, तो हम प्लस के टूल से इसे इरेज करते हैं। सर मेरा वो सवाल था ना, हाँ याद है अभी भी मुझे, आप चिंता मत करो जी। दिनेश भाई नेपाल से, नेपाल में कितने बजे है दिनेश जी? 11:15 हो गया सर। 11:15, 15 मिनट, 15 मिनट इंडिया से आगे, बराबर जी सर। जी सर जी जी। सुमन भाई भी नेपाल से, राइट सुमन जी? जी सर जी जी। आशा करता हूँ कि जो हम आपको देना चाहते हैं वो शायद आपके पल्ले पड़ रहा होगा या आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है सर, अभी पहले तो नहीं आ रहा था, अभी बहुत अच्छा से आ रहा है। बहुत अच्छे से आ रहा है, ग्रेट जी। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब है कि क्लास से जुड़ के आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? जी सर, जी सर। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, नहीं फायदा हुआ। अच्छा ऐसा, आशा भी, ये भी आशा करता हूँ कि आपके पैसे वसूल हो गए होंगे। अभी तो हो रहा है, थोड़ा बहुत तो हो गया बोर जी। दोस्तों देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या दिखा रहा है, इरेज दिखा रहा है, लेकिन वहां पे इरेज नहीं दिखा रहा है। तो हम यहां से एक बार इरेज करके ट्राई करते हैं, मतलब ये इरेज हो चुका है लेकिन वहां पे हमें बार बार इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसे एक बार हम वापस एक्टिव करके देखते हैं। तो यहाँ पे इरेज हो रहा है, थोड़ा रुकते हैं दोस्तों, तब तक देखते हैं टूल हुआ है कि नहीं। टूल हो रहा है, कुछ 15 मिनट बता रहा है दोस्तों। इसकी जो मेथड है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसकी नोट्स मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा कि आप किसी भी सेट का इंजीनियरिंग फाइल खुद का खुद कैसे बना सकते हो। खुद कैसे बना सकते हो, और इतनी आसानी से सिखाऊंगा, आपको लगेगा सर ये चीजें सच्ची में हमें पता नहीं थी। देखिए इंजीनियरिंग फाइल जो होती है ना, वो कोई बना बनाया नहीं आता है, हम जैसे लोग ही बनाते हैं, बस थोड़ा सा सोच समझ के बनाएंगे तो 100% आपका इंजीनियरिंग फाइल कैसे बनाया जाता है वो आप सीख जाओगे। तो यहाँ पे हाँ बोल सकते हैं एएमएमसी चेंज फाइल, लेकिन इंजीनियरिंग फाइल जो होता है वो आपके मीडिया को सपोर्ट करता है, नए वाले आईसी को,
अगर समझो नया अगर आपने आईसी लगाया है और अगर आपका प्ले स्टोर काम नहीं कर रहा है, या अगर आपका क्या बोलते हैं उसको, अगर आपका YouTube काम नहीं कर रहा है, YouTube चलता है लेकिन YouTube पे क्या नहीं हो रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, तो ये जो चीजें है दोस्तों, उस वक्त पे आपको इंजीनियरिंग फाइल की आवश्यकता है। और जो स्पेशल फाइल होती है ना सर, जी सर, एक फाइल से सेट जिंदा, एक फाइल से बोलता है, एक फाइल से सेट जिंदा, एक वो फाइल कैसे बनाते हो सर? इमेज आपको ये सिखा रहा हूँ, ये स्पेशल फाइल ही सिखा रहा हूँ आपको। फिर आप उसको कुछ भी नाम दो, इंजीनियरिंग फाइल दो, चेंज फाइल नाम दो, कुछ भी दो, आप कैसे क्रिएट कर सकते हो खुद के खुद, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? ओके, तो मतलब आपको उसी को जो बेच रहे 500-600 रुपए में सर, एक बार तो आपको लाइव करके डेमो दिखा दो सर, कंफर्म हो जाएंगे। लगता है क्या कि मैं इस पे इसका वीडियो YouTube पे अपलोड करना चाहिए? मैं कैसे इंजीनियरिंग फाइल बनाते हैं इसका वीडियो आपको लगता है मैं YouTube पे बना के? नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ये गलती मत करो सर, ओपन होगी ना सर। अच्छा, लेकिन बहुत सारे भाइयों का 700 रुपए बचेगा, ऐसा नहीं लगता आपको? सर वैल्यू कम हो जाती है। नहीं सर, ऐसा होता है ना सर, कोई चीज रहस्य है तो रहस्य ही होना चाहिए। ये भी बात बराबर है सर, कोई चीज में सर अगर लॉक लगा रहे सर तो वो चीज अच्छा होता है। नहीं, मैंने जब है ना ये चीज जब YouTube पे बोला ना कि भाई हम खुद इंजीनियरिंग फाइल बनाना सिखाएंगे, तो मुझे कमेंट आया कि हम मान ही नहीं सकते है, आप छोड़ रहे हो, आप फेंक रहे हो, व्हाटएवर जो भी है। तो देखिए भाई, मैं जब अगर लाइव बात कर रहा हूँ, लाइव की मतलब अगर मैं लाइव यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ या फेसबुक पे बात कर रहा हूँ, तो पढ़ाई की है या सीखा हूँ या सीख के ही बता रहा हूँ ना आपको, छोड़ नहीं रहा हूँ। अगर छोड़ूंगा तो मेरा दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बंद करना पड़ेगा। कॉमेंट तो आपको अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे जी सर, क्योंकि ये तो होता ही है, क्योंकि जहाँ अच्छे लोग हैं उन्हें जिसको नॉलेज नहीं होगा वहां उनका भी धंधा चौपट हो रहा है। बराबर सर, क्योंकि अभी तक क्लियर तो बताते नहीं, वो बीच वाली चीज तो खा देते जी तो बस सर। वही वही बात है, वो पढ़ता रहना यूट्यूब पे जी। तो मैं इसीलिए रुका था जी, और मेरे फ्रेंड है वो पहले से बनाते हैं, मैं पैसे भी दे रहा था। अच्छा, लेकिन बना सकते हैं सर? हाँ बना सकते हैं। चलो हमारे सर, हमारे दिनेश भाई को आज बहुत दिक्कत हुआ है सर, पूछिए क्या हुआ है सर। जी दिनेश भाई, क्या हुआ आपको? जी सर, एक EMI का Note 5 ये था कि जी, सबसे पहले हम उसका पैच फाइल नहीं था हमारे पास जी, हम उसका कौन हटाया UMT से जी, तब फिर पासवर्ड कनेक्ट किए, वाईफाई कनेक्ट किए, रिलॉक लग गया, तो हम ऑनलाइन से फ्लैश किया उसका जी, ऑनलाइन से फ्लैश होते ही उसका वाईफाई और IME सब नुल हो गया जी, और एक फाइल दिया हमको, बोला कि इससे फ्लैश करो, ये 100% ऑन होगा। उससे फ्लैश किए कि मोबाइल डेड हो गया जी। कितना लिया पैसे? बना रहा 250 रुपया सर। मैं देखो, मैं आपको इंजीनियरिंग फाइल बनाना सिखाऊंगा, EMMC चेंज फाइल कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा, मैं आपको EMI का पैच फाइल कैसे बनाते हैं वो भी सिखाना, सब सिखाऊंगा, सिखाने का कोई दिक्कत नहीं है। अभी करना नहीं करना, तैयार करना नहीं करना, वो आपके हाथ में सर। मेरे साथ जी सर, जी वो EMI नोटेड प्रो जो सर वो नहीं हुआ सर, क्या करना होगा उसमें? क्या हुआ EMI नोट प्रो में विकेश भाई? सर वो सर EMI अकाउंट खोलने के बाद सर उसमें ना बेसबैंड है सर, ना दोनों IME है जी, ना बेसबैंड है ना IME, कौन दो सिम के सवाल का जवाब दे पाएगा? और सर डायरेक्ट पोर्ट भी ऑन नहीं हो रहा है जी। चेंज किया IC इन्होंने?
नहीं सर, वो एमआई एक मेरा बगल में ही शॉप है, वो भैया के पास आया था सेट एमआई अकाउंट खोलने के लिए, तो उसने एमआई अकाउंट खोला, उसके बाद फिर वो क्या हुआ कि उसका बेसबैंड आईमी दोनों चल गया, तो उन्होंने क्या किया कि सॉफ्टवेयर करने के बाद वो पूरा चला गया, बेसबैंड भी चला गया, आईमी भी दोनों चला गया, कुछ भी नहीं है यहाँ तक भाई उसमें जो, ओके ओके समझ गया मैं, ये जो फाइल गलत चढ़ गई ना उसमें बेसमेंट आपका तब गया उसका और आईमी तब गया फाइल, आप उसका वर्जन चेक। सर मैंने केयर से करवा दिया, केयर मेरा बगल में ही है। हेलो, उसके बाद तो उसका यही रहे, अगर दिक्कत हुई तो आपका जो WTR या SDR जो भी होगा उसको उसको चेंज करके SDR 660 भी मैंने आज चेंज कर दिया सीधा, उसके भी साथ हो सकता है सर प्रॉब्लम, उसके बाद भी नहीं है, तब मैंने ग्रुप में पोस्ट किया कि अगर किन्हीं के पास कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज हेल्प, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। कौन सा मॉडल है? MI Note 8 नया मॉडल है। 8A तो किया हुआ, वैसे तो कुछ नहीं होता है, उसका अकाउंट भी Note 8 का MI अकाउंट का रिसेट फाइल तो हमारे पास भी था सर। सर Note 8 है सर, Note 8 MI 18 नहीं, Note 8 है सर। Note 8 नोट, नहीं नहीं नहीं, ओके कोई दिक्कत नहीं विकेश भाई। देखिए सीख यही से मिलती है, जब हमें बोलते हैं ना कि जब हमें ऐसे कुछ चीजें मिलती है तब जाके हम सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आपको समझ में आया कि कहाँ गलती हो रही थी। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका है, अभी हम यहाँ पे यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट करेंगे। क्यों करेंगे यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट? क्योंकि यहाँ पे ये है SK हाइनेक्स का, किधर के आईसी का नाम ये देखिए दिख रहा है। सो यहाँ पे हम इन्हीं से यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट करेंगे। क्या बता रहा है? दी ऑपरेशन नॉट बी सपोर्ट नन पार्टीशन, मतलब ये यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट एक बार इरेज हो गया उसके बाद काम नहीं करेगा, तो ये अच्छी बात है। अगर सैमसंग का होता तो सैमसंग में हम क्या करते, इसे यहां पे किधर गया, एंड्रॉइड टूल में क्या है सैमसंग नहीं है, तो हम अभी इसे क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसे ये बैड हेल्थ को सॉल्व करने वाले, किधर गया बैड हेल्थ, ये वाला बैड हेल्थ सॉल्व करने वाले। तो बैड हेल्थ को सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे मेक अ जीरो पार्टीशन, दिख रहा है आपको, मेक अ जीरो पार्टीशन, मेक अ जीरो GP पार्टीशन, और यहां पे हम इसे टिक करेंगे। देखिए क्या होता है, क्या बता रहा है, आर यू श्योर टू वॉन्ट टू जीरो GP पार्ट कैन बी ब्रेक, तो ये डाटा को डैमेज कर देगा, ऑलरेडी मैंने डाटा को डैमेज या डाटा को डिलीट कर दिया है, तो हम इसे एस कर देते हैं। देखिए क्या लिखा है आज दोस्तों, ऑपरेशन डन, लेकिन क्या बोल रहा है, प्लीज रिकनेक्ट EMMC। अभी हम इसे क्लोज करते हैं और वापस एक बार रिकनेक्ट करते चेक करते हैं। सर यहाँ पे एरर आ जाए तो मेक जीरो, एरर आता तो हम इसमें नहीं करेंगे, किसमें करेंगे, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना ट्रिक, क्लासिक क्लासिक का ट्रिक, जो ट्रिक आपको इनेबल करना है क्लासिक के ट्रिक में जाके कंफर्म, याद है ना वो चीजें मैंने आपको बताया, उसको फॉलो करना है, ठीक है। सो थोड़ा रुकते हैं अभी इसे खुलने में। सर मैं Note 8 Pro का सलूशन नहीं मिला सर, Note 8 Pro नहीं सर, MI Note 8 का। देखे मैं ये देखे क्या हो गया दोस्त, हेल्थ सही हो गई, हेल्थ तो क्या हो गया, कितने क्लिक में, वन क्लिक, वन क्लिक, वन सेकेंड, दिख रहा है। अभी हम ब्राउज में जाएंगे और जो हमने डंप लिया था डेस्कटॉप पे तो वो फोल्डर इसे यहां सिलेक्ट कर देंगे। आ गया हमारा डंप, ये देखे डंप आ गया। अभी हम यहाँ पे इरेज बिफोर रखेंगे, रिपार्टीशन कौन टिक कर देंगे और फ्लैश कर देंगे। सर अच्छा सर, कोई भी पर्टिकुलर जो आपका सिक्योरिटी बैकअप है उसको लेने की जरूरत नहीं है, एक एक करके मैंने आपको सिंपल तरीका बताया आईसी को बैड हेल्थ से निकालने के लिए, इजी है सर, ये वाला
इजी है ना जी सर जी। ट्रिक नहीं मालूम था सर? नहीं मालूम था ट्रिक? नहीं सर। नहीं। थैंक यू सर। 100% आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पार्टीशन कर सकते हैं। कितनी बार पर सर सेकंड टाइम पार्टीशन कर सकते हैं इसमें? वन टाइम होता है बस ये वन टाइम होता है दोस्त, एक पर एक ही टाइम पे। लेकिन इसमें सिक्योरिटी रहेगी ना सर। आपको क्या हो रहा था, आपको जो प्लस वाला जो टूल मैंने आपको बताया ना, प्लस और क्लासिक, उसमें क्या होता है, उसमें एरर आते हैं या होता नहीं है कभी कभी। इसमें क्या होता है, वो 100% हो गया। देखिए आ गया पूरा। अभी हम चलते हैं मेन में, हम इसे करते हैं कनेक्ट। नाइस सर, नाइस। देखिए आ गया डम जी सर, आ गए फाइल्स। अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर सिस्टम फाइल डालना है, खाली फ्लैश करना है। तो मैं क्या करूंगा, फ्लैश में जाऊंगा, उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करूंगा। तो फ्लैश फाइल मुझे कौन सी चाहिए दोस्तों? 1805 सर। चलते हैं देखते हैं क्या है हमारा सेट। ओपो 1805 RMX 1805 फ्लैश फाइल। चलते हैं देखते हैं इसके अंदर। ओपो है तो CPH आएगा सर। सॉरी नहीं, RMX है ये, रियलमी। रियलमी है ना? हाँ। तो इसे ओपन करके देखते हैं। तो हमें फाइल लेनी है, कौन सी फाइल लेनी है? 71 वाली। 71 तो इसे हम डाउनलोडिंग को लगा देते हैं। सो कैसे लगा ट्रिक दोस्तों? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया था सर। मुझे यहाँ से करना चाहिए था, ये वाला हो जाता। सैमसंग की आईसी थी इसके अंदर सर जी, लेकिन ट्रिक सही था ना, एकदम आसान था जी सर, ट्रिक अच्छा। सर मेरे उसके अंदर सैमसंग की आईसी लगी हुई थी, मॉडल यही था लेकिन जी। आप देखो सर, आप गलती कर नहीं करते तो शायद आपको मतलब क्या होता है, आपका मेहनत वेस्ट होता है दोस्त। बराबर है क्या गलत है? हाँ, गलती से सीखते सर। नहीं हाँ, गलती से सीखते हैं और गलतियां होनी चाहिए, बिना गलती आप सीखो। बार बार वही गलती नहीं होना चाहिए सर। हाँ सर, नोट 6 प्रो की मैंने चेंज कर दिया, हो गया कामयाब। ओ एकदम 100%। मुझे लगता है कि आपने क्लास करने के बाद बहुत सारे एमएमसी को चेंज कर दिया दोस्त, है ना? हाँ काफी कर दिया जी। सर सबसे इजी सर चेंज करना नोट 6 प्रो का ही है। हाँ ना, सब हो जाएगा अब। ग्रेट ग्रेट। नहीं जब फाइल में ऑप्शन नोकिया पे और ओनर पे प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो वो भी मैं एक बार क्लास में ले लूंगा दोस्त। आपको जो भी दिक्कत आता है ना मुझे बता दीजिए ना, मैं जो भी टॉपिक में या जो भी टॉपिक है मैं आपको 100% पढ़ाऊंगा। ऑनर में लगेगा सर फ्लैशिंग करने के लिए। अच्छा सर, ऑनर में एक बार बता, ऑनर का सर, ऑनर का क्या है, एक आईसी थी ऑनर का, वो डीप प्रोग्राम वगैरह सब कर दिया ठीक है, लेकिन अभी वो लेकिन अभी वो क्वालकॉम मोड पे ही है। जब तक वो फास्ट बूट मोड पे नहीं आएगा वो फ्लैश भी नहीं होगा। ओके, लेकिन फ्लैश वो हेल्थ वगैरह सब ओके आ चुके हैं उसकी, लेकिन क्वालकॉम मोड पे ही अभी वो। तो मेरे भाई इसका भी एक क्लास लेंगे हम, अगर किसी के पास सेट आता है या मैं लेके आता हूं मिल जाएगा वो, तो मुझसे सर जोन समझ के बोलो वो ला दूंगा। तो फिर चिंता, ऑनर 70 है सर। नोकिया का भी रखा है मेरे पास सर, वो एमएमसी उसका पूरा डैमेज हो गया सर, तो वो चेंज हो सकता है किस एमएमसी? कौन सा सेट है मेरे भाई? ऑनर 70। उसका कंफर्टेबल मिला आपको आईसी सर? मिलेगा सर, तो फिर उसका पार्टीशन भी कहां से करेंगे सर, वो तो उसमें कुछ रीड ही नहीं कर रहा है सर। वो भी सिखा दूंगा, आप चिंता मत करो। होनर के लिए OME आता है और नोकिया के लिए NBO आता है। वो नया वाला इसे किसी लोग सेल करता है, वो MMC वाला। सॉरी, न्यू आईसी समबडी इज सेलिंग। इज नॉट अ न्यू आईसी, दिस इज द स्क्रैप बोर्ड। ओके, बट नो एमएमसी एंड नो सीपीयू, only PCB board, scrap सर, PCB board। सर मेरे पास मिल जाएगा, कोई भी MMC Samsung का चाहिए तो मेरे साथ
इधर है ना हमारा साथ आईसी नया वाला आईसी मिल जाएगा सैमसंग का, किसी को भी चाहिए तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। सर आप नंबर आपका ग्रुप में डाल देना, मुझे भी लगता है ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है। सर मुझे सर एक फ्लेक्स फाइल का लिंक चाहिए अभी है ना, नया वाला इसी का ज्यादा जरूरत है जी। नया वाला 254 ही आता ना भाई, 254 का मिल जाएगा। प्राइस बता सकते हैं सर? हाँ 254 चाहिए अभी ज्यादा, 254 आता। ग्रुप में मैं डाल देता हूँ नंबर, मेरे को से व्हाट्सएप में कर लो कॉन्टेक्ट, मैं बोल दे। बोल रहे सर जी, सर मुझे सर एक सैमसंग का टैब का सर फ्लैश फाइल का लिंक चाहिए सर, वो नेट पे मिल नहीं रहा है। कौन सा टैब है दोस्त? सर सैमसंग T561 पुराना है ये। हाँ तो सर वो सर जो भी फाइल डाउनलोड करे सर तो वो करप्ट फाइल है। नहीं नहीं ये पुराना, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आप एक काम करो, उसका जो शेल है ना किसका, Z3X उस पे मिलेगा दोस्त। सर हेलिपटेक में है सर, किन्नी के पास आईडी है क्या? मेरे पास है, मेरे पास हाँ सर के पास भी है, किसको ही भेज सकता है तो भेजो सर दोस्त के लिए। मुझे वो दे देना अपना टीम नंबर आपके सिस्टम सर, वो के बारे सर लिंक कॉपी करके सर ग्रुप में पेस्ट करो सर, वो डाउनलोड हो जाएगा। कोई मुझे वो दे देना आप, क्या नहीं आप क्या करो लिंक, हाँ लिंक को नहीं गूगल लिंक को डाउनलोड कर देना मेरे भाई, वो हो जाएगा। वहाँ लॉग इन करके मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है सर, वो नहीं मिल रहा था, जो भी फाइल मिल रहा है सर वो सारा करप्ट है, और सर जो क्लास में पढ़ता हूँ ट्यूशन का उन्हीं टीचर का है भाई। एक इजी फर्मवेयर के ले लो, एक हेलिपटेप के ले लो, सब पे अलग अलग आती है ना, एक एक करके ले लो तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं सर मेन बात है ना कि सर 7 Redmi 7A का डेव कॉन्फिग फाइल है क्या किसी के पास? Redmi 7A तो मैंने डाला है ना दोस्त, Redmi आपको एप्लीकेशन, मैंने क्या बोला दोस्त मेरे एप्लीकेशन पे मैंने बहुत सारे फाइल्स डाल के रखे हुए है। देखो इसके अंदर है क्या, देखो आपका फाइल सर मिलता नहीं है सर एप्लीकेशन पे, कहाँ पे अपलोड है सर? हाँ वो ही मेरे को भी नहीं मिल रहा है, वो एप्लीकेशन में जाके भी नहीं करता है। ये देखा Redmi 7A ना? हाँ 7A। ये क्या है दोस्त, आपको मेरे एप्लीकेशन पे जाना है, आज का एक दिन मुझे दीजिए, एक दिन ओनली वन डे, ठीक है? कल संडे है, ये सारे फाइल अपलोड कर दूंगा मैं, डंप भी डाल दूंगा। आपको करना क्या है, मेरे एप्लीकेशन पे जाना है और मेरे मोबाइल में दिखाइए ना सर, ये तो सिस्टम में तो आपका दिखता है ना, हम लोग को मोबाइल में चलता है ना। बता देता हूँ देखो आपको मोबाइल में स्टोर में जाना है, स्टोर दिख रहा है ना आपको सब में, सबको स्टोर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ स्टोर में आपको यहाँ पे देखे इंजीनियरिंग फाइल लिखा है दोस्तों, इंजीनियरिंग फाइल लिखा है, इंजीनियरिंग फाइल में जाना है। अभी यहाँ पे प्राइस कितना लिखा है मैंने, 1000 रुपए, ये दूसरे लोगों के लिए है, ठीक है आपके लिए नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं ग्रुप पे ना कल, आज नहीं कल मैं आपको ना एक कूपन कोड क्रिएट करने वाला हूँ, यहाँ पे एक क्या होगा, एक कूपन कोड बनेगा, वो कूपन कोड मैं आपको आपके ग्रुप में दूंगा। ध्यान रखना वो कूपन कोड, जैसे ही एक बंदा एक टाइम पे जिसके फोन में एप्लीकेशन है, ध्यान रखिए जिसके फोन में एप्लीकेशन है और जो बंदा हमारे बैच के साथ जुड़ा है वो ही बंदा उसको एक्सेस कर पाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे इसे बाय करोगे ना, बाय आपके यहाँ पे बाय होगा, मेरे यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन आपके यहाँ पे बाय होगा, बाय के नीचे आपको एक कूपन कोड आएगा, उस कूपन कोड में मैंने जो कोड दिया है वो कोड डालना है। जैसे आप कूपन कोड डालोगे ये जो 999 है ना, ये 999 डिस्काउंट हो जाएगा 299 में, 299 मतलब खाली 300 रुपीज। ये जो 999 रखा हो सर इसको बढ़ा दो आप, 2000 कर दो उसको सर। नहीं अभी मैंने ना देखो ना आप सोचो आप पहले, नहीं समझ रहे अभी इसमें मैंने खुद ने बनाए हुए इंजीनियरिंग फाइल भी है दोस्त। नहीं मान गया मैं, इतना कम रेट पे और रिपेयर माय हैंडसेट का उसका रेट देखा आपने?
700-900 की फाइल दे। अरे ये इतना भी लालच सही नहीं है। 800-900 थोड़े बहुत और टेक्नीशियन है उन लोगों को भी उठाने दो प्रॉफिट, इतना भी लालच सही नहीं है। ऐसा नहीं बात है, इतना कम रेट में नहीं मिलनी चाहिए। ये बोलो आपका कहना सही है। उतना ज्यादा तो, उतना ज्यादा तो कस्टमर उसमें पैसा भी खर्चा नहीं करेगा, 2000 में लेगा बंदा फाइल कई बार। एक ही फाइल नहीं ना लेगा भाई, भाई जब वो आईडी लेगा, सुनो मेरी बात, जितनी भी होगा उसको डाउनलोड कर लेगा, करके रख लेगा। देखिए मैं बोलो मेरा अगर उसको कैलकुल उसमें ऐसा तो होगा नहीं, कितनी फाइलें होगी इसमें टर्म, सबको मिलेगा उसको प्रो। ठाकुर भाई बोल रहे हो सर, जरूरी नहीं है सर कि सब कोई शॉप को ओनर ही हो, क्योंकि सर स्टाफ लोग भी होते हैं जो कि अलग से काम करते हैं, जो प्रॉपर वे में पेबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैंने ना ये फाइल बेचने के लिए नहीं रखे, ये मैंने फाइल आपके लिए रखे, खाली आपके लिए। जो बंदे मेरे साथ पेड में स्टूडे जुड़े हुए हैं और जिन बंदों को फाइल के वजह से सेट ऑन होने में दिक्कत होती है, 700-800 रुपए देके उनको खरीदना पड़ता है, मुझे नहीं लगता है दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक 300 रुपए आपके लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं सर सही है, 300 रुपए बराबर है कि नहीं, ऐसा समझ तो के लिए तो फ्री है 300 रुपए बोले तो जी। 300 rupees इज नॉट अ बिग अमाउंट, बराबर है क्या गलत है दोस्तों? जैसे ही ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। अभी आपको करना क्या है कि जैसे ही आपने इसे परचेस कर लिया, अभी इसके अंदर खाली इंजीनियरिंग फाइल नहीं आएगा, इसमें डम फाइल भी आएगा, स्पेशल फाइल भी आएगा, IMA रिपेयर फाइल भी आएगा, सेकंड लोगो फाइल भी आएगा, सारे फाइल आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, जैसे आपने इसमें बाय कर लिया ना, बाय करते ही आप ये जो स्टूडेंट का ग्रुप दिख रहा है ना आपको, ये स्टूडेंट ग्रुप में आप जुड़ जाओगे, यहाँ पे आपका नाम आएगा। जैसे ही आप स्टूडेंट ग्रुप में जुड़ोगे तभी आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकोगे, वरना आप डाउनलोड नहीं कर सकोगे, मतलब दिखेगा लेकिन इसको सर इसको कंप्यूटर ग्रुप में ज्वाइन हम लोगों को करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक हो जाएगा अपने आप, कुछ नहीं सर, ऑटो मैनुअल सब मैनुअल पे इस पे डाल दिया, किस पे? ऑटोमेटिक। हाँ मतलब मुझे भी आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करना है आपको, पे करना है कूपन कोड, पहले मैं कूपन कोड दूंगा आपको, कूपन कोड देखिए, जो मोबाइल नंबर मेरे एप्लीकेशन से रजिस्टर होगा वही कूपन कोड को एक्सेस कर पाएगा, ध्यान रखना। जैसे कि अभी क्लास में देखिए दूसरा कोई जुड़ नहीं पा रहा है आपके सिवा, बराबर है कि नहीं? नहीं तो पहले क्या होता था, पहले जूम की लिंक दे दी, कोई भी उसको शेयर करता था, अभी नहीं हो रहा है। तो वैसे ही आपको कूपन कोड दिया जाएगा, जैसे ही कूपन कोड दिया जाएगा मेरे भाइयों, ये अपने आप 19999 का 299 हो जाएगा आपके लिए। फिर आप बाय करो, बाय करते ही आपको एक रिसीट आएगा, GST कट होके आपका पेमेंट कट होगा, और जैसे ही पेमेंट कट हो गए इसका एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में स्टूडेंट के नाम पे आपका यहाँ पे नाम आएगा, और जैसे ही आपका नाम आएगा आपको लिंक मिलेगी विदाउट पासवर्ड, आप डाउनलोड करके आपके पास रखो या दूसरे किसी को देना है दो, उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है, वो आपकी मर्जी है, बाकी वो आप तय करो करना क्या है। दूसरे को देंगे तो हम लोग निकल जाएंगे मार्केट से, नहीं वो आप देखो, मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको क्या दिया है, मैंने आपको सपोर्ट दिया है, जो मैंने वादा किया था कि मैं ये दूंगा, और ये चीजें मुझे ठाकुर जी ने कहा कि जी सर हमें ये बहुत दिक्कत आती है, कृपया करके इसका कोई सोल्यूशन निकालो। इसका मतलब हम भी बेच सकते हैं सर, वो तुम्हारी मर्जी, बेचो रखो, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। मैंने क्या दिया है मैंने आपको सर इसमें हम लोग फाइल अपलोड करने का ऑप्शन दे देना ना, अपलोड नहीं आप डाउनलोड कर, हाँ ऑप्शन भी वो भी कर रहा हूँ मेरे भाई, आप भी अच्छा ये भी चीज मैं कर रहा हूँ,
जैसे आप स्टूडेंट के नाम से यहाँ जुड़ोगे ना, अच्छा वो भी बात अब बता देता हूँ आपको, अच्छा हो गया आपने बात किया। जैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से जुड़ोगे, अगर आपको यहाँ पे फाइल को अपलोड करना है, खुद की फाइल, तो आप ये जो ये दिख रहा है ना आपको अनाउंसमेंट नहीं है, नहीं, इसके अंदर है ना असेसमेंट होता है, असेसमेंट। जैसे आप स्टूडेंट के नाम से जुड़ोगे ना, यहाँ पे और एक ऑप्शन आएगा असेसमेंट करके, उसके अंदर आप खुद की फाइल का लिंक अपलोड कर दो। समझे कि नहीं समझे? ओके सर। फाइल अपलोड करके सर अगर अपना ड्राइव से डिलीट कर देंगे सर, तो वहां ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे ही फाइल डालोगे, एक घंटे में अपने आप मेरे ड्राइव पे आ जाएगी। अच्छा, एक घंटा रखना पड़ेगा ना सर कम से कम? हाँ, फिर उसके बाद आप डाउन डिलीट कर दो। कोई एक घंटा मतलब मुझे टाइम लगेगा ना कि उसे स्विच करने के लिए। जी सर ठीक है। अच्छा, उसका भी आपको पेमेंट मिलेगा, फ्री में नहीं डालना है। अब फाइल जितने लोग परचेस करेंगे ना, समझो फॉर एग्जांपल मेरे से 100 लोग परचेस कर रहे हैं फाइल, तो उसका आपको शेयर मिलेगा। नहीं नहीं, एक बिल्कुल सही बोला सर। अब देखो किसके पास टेस्टेड डब पाता है, और उसके लिए जो एप्लीकेशन में डाल जाएगा तो जरूरत नहीं होगी और लेने की, उसमें अपने आप डाउनलोड। इससे क्या होगा, आप एक दूसरे को हेल्प करोगे। जो दूसरे को 700-800 रुपए दे रहे हो ना, वो बंद हो जाएगा सिस्टम दोस्त। बिल्कुल सर, बोलिए सर। इसमें सर एक कॉलम बना दीजिएगा सर, सब मॉडल बाय मॉडल, जैसे सैमसंग का अपना हो गया, वही एमआई, ओप्पो, वीवो, वही उसमें सर सीरीज भी बांट दीजिएगा सर, कि परेशानी ना हो। जो सीरीज का खोजना सर, ए सीरीज, तो ए सीरीज में उसका डम मिल जाए। जी दोस्त वही काम कर रहा हूँ। थोड़ा ये मतलब बोलना आसान है, करना थोड़ा सा हार्ड है। मैं कर रहा हूँ दोस्त, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए, ये आप ही के लिए कर रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन कैसे लगा ये? ठाकुर जी ने मुझे जो सजेशन दिया, मैंने उसके ऊपर अमल किया। मुबारक भाई ने मुझे बोला, उसके ऊपर भी मैंने अमल किया। ये आपके लिए कैसा लग रहा है? आपको क्या लगा कि ये चीज कैसी है? बहुत अच्छी सर, सही लग रहा है जी सर। डम सर, डम जो होगा सर, फुल डम भी डाल सकते हैं, 512-64 MB कोई भी डाल सकते हैं। हाँ, फुल डालो, एक्सक्लूसिव डालो, कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं। मैं उसको डाउनलोड करूंगा, उसको टेस्ट करूंगा, फिर सर्वर पे अपलोड करूंगा। ओके सर, ठीक है। बाकी सर्वर का मेंटेनेंस, सर्वर का खर्चा, वो आपसे बेयर नहीं किया जाएगा, वो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। बस जैसे हम गुल्लक में डोनेट करते ना, 1 रुपया 2 रुपया, वैसे क्या होता है, थेम थेम से क्या बोलते हैं, एक बूंद बूंद से क्या होता है, सागर बनता है, घड़ा भरना, जी घड़ा भरता है, राइट, घड़ा बनता है, जो भी है। तो शायद कोशिश रहे छोटी सी, बराबर के गलत है, सही है जी। और मेरे को एक टेक्नीशियन भाई है हमारे, 2 स्टूडेंट ही है, उन्होंने मुझे 4 GB का डेटा दिया है फ्री में, पैसे नहीं लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी सारा अपलोड कर दूंगा मैं, वो भी टेस्टेड फाइल पूरा, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा दोस्तों। तो एप्लीकेशन के साथ जुड़े रहिए, एप्लीकेशन पे हर वक्त नया नया चीजें आती रहती है, ये ध्यान रखना, ठीक है सर? डाउट था सर, पूछिए मेरे भाई। सर एप्लीकेशन सिस्टम में ओपन कर सकते सर? एप्लीकेशन सिस्टम में ओपन कर सकते हैं, लेकिन खाली क्लास के लिए। ओके, जूम, ओनली जूम लिंक ओपन होता है बस। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको अगर आपको देखना है ना, तो वो भी चीजें दिखा देता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। अभी मैं यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ, अगर आपको आपके पीसी में फाइल डाउनलोड के लिए ऑप्शन दे दीजिए, सही रहेगा जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिए आपको बता देता हूँ। किसी भी भाई का एक मोबाइल नंबर बता दीजिए। 7373-8487-8486-86 भाई आपके पास एक ओटीपी आएगा, मुझे बता देना प्लीज। ओके सर, 6337 सर, 6337। ओके सर, देखिए अभी इनका मैं लॉग इन कर रहा हूँ, देखो क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए इनको बैच दिखाई दे रहा है, 2 बैच में ये जुड़े हुए हैं। अभी ये बैच में ये अपने आप क्यों जुड़े हैं? क्योंकि इन्होंने इसको पेमेंट किया होगा ऑनलाइन। ये बैच में मैंने इनको डाला है,
अभी आप जैसे ये बैच में ये जाएंगे तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना असेसमेंट, दिख रहा है ना, यहाँ पे आप आपकी फाइल की लिंक डाल सकते हो, यहाँ पे आप आपकी खुद की फाइल की लिंक डाल सकते हो। ये दिख रहा है यहाँ पे एड आंसर, यहाँ पे आपको करना क्या है, जो भी आपकी फाइल है उसकी लिंक डालो या फाइल अपलोड करो, वट एवर जो भी आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो में जाओगे तो ये वीडियो दिखेगा नहीं, वीडियो नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से वीडियो और नोट्स आप खाली देखो, नोट्स दिख रहा है आपको, दिख रहा है नोट्स, लेकिन वीडियो नहीं दिखेगा। नोट्स दिख रहा है आपको, नोट दिखाई दे रहा है, ये देखिए सारे नोट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, दिख रहा होगा आपको, लेकिन ओपन नहीं होगा। ये ओपन कहां पे होगा, एप्लीकेशन पे। सर फाइल डाउनलोड के लिए मोबाइल में छोड़ के सिस्टम में डाउनलोड करने के लिए नहीं, फाइल डाउनलोड कर सकते हो, फाइल का लिंक के लिए मैं एक्सेस दे दूंगा दोस्त, आप चिंता मत करो। फाइल तो सर एक्सक्लूसिव डाउनलोड करना पड़ेगा सर, तो 4.5 GB तो मोबाइल में तो संभव नहीं है। नहीं, जो भी आपको फाइल चाहिए ना, फाइल का लिंक आएगा आपको, जैसे कि ये देखो ये लिंक है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे टिक करोगे ये देखो ये खुल गया, दिख रहा है क्या? नहीं नहीं सर, जैसे बोल रहे सर अगर सिस्टम में एक्सेस मिल जाएगा सर तो वो आसानी रहेगा, क्योंकि मोबाइल में किसी एक्सक्लूसिव डम डाउनलोड करना पड़ेगा सर, तो 4 GB 5 GB से तो नीचे भी कोई आता नहीं है सर। आप लैपटॉप से फाइल, जैसे कि यहाँ पे ना, यहाँ से आप वीडियो और नोट्स नहीं देख सकते हो, फाइल का लिंक होगा, फाइल डाउनलोड कर सकते हो पीसी से। हम लोग वही बोल सर कि वो फाइल का लिंक का एक्सेस दे दीजिएगा सर। किसके फाइल का लिंक, मतलब सर जब अपलोड करना शुरू करिएगा तो वो सर सिस्टम से भी अपलोड की डाउनलोड लिंक करने का एक्सेस दे दीजिएगा। हाँ, सिस्टम से ही लिंक, आप मैं उसको फाइल का और क्लास का जुड़ने का एक्सेस आपको सिस्टम से मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। जी सर, ओके, ठीक है, बोलिए सर। वो HTML जो है ना वो ग्रुप में आप डाल देंगे तो लोग डायरेक्ट लॉग इन कर लेंगे अपने हिसाब से। हाँ, और एड्रेस बार दिए ना। हाँ, तो बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, डाल देंगे तो कंफ्यूज नहीं होगा। नहीं नहीं, अब देखिये अभी देखिए अभी है ना, मैं अभी मैंने इंजीनियरिंग फाइल डाल दी है, अभी मुझे है ना कल का एक दिन दीजिए, मैं कूपन कोड भी आपको जल्द से जल्द दे देता हूँ, सारे फाइल सर्वर पे अपलोड कर दूंगा। थोड़ा समय लगता है, मैंने जैसे बोला कि बोलना आसान है करना थोड़ा हार्ड है। मैं सारे चीजें करने के बाद सबसे पहले एक्सेस आपको दूंगा, आप मुझे बताइए कि क्या क्या गलतियां हो रही है, मैं उसको चेंजेस करूंगा, फिर हम उसको पब्लिक रिलीज करेंगे। पब्लिक का मतलब है कि सभी भाइयों के लिए, ठीक है ना दोस्तों? जी सर। जी, तो अरे 12 बज गए, तो आशा करता हूं कि आज का क्लास आपके लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल था। यस सर, यस सर, जी सर, बहुत ज्यादा ट्रिक अच्छे मिले हैं, अच्छा लगा। जी सर, अच्छा लगा, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर। नहीं सर, ये तो मेरा कर्तव्य है, और मैं सर एक डाउट है सर। हाँ पूछिए मेरे दोस्त। वो जो आप बोले ना टेस्ट फाइनल राइट करने से पहले टेस्ट राइट है, क्लासिक टूल में खाली सैमसंग छोड़ के एसके आईनिक्स दूसरे को भी टेस्ट राइट कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं। ठीक है सर, वही जानना। ग्रेट, तो वो भी ट्रिक मुझे लगता है कि आपको पहली बार पता चली होगी ना, जो मैंने आपको कंफर्म किया सर, क्योंकि मैं तो सीधा फाइनल राइट करता हूँ। अच्छा, तो अभी तो मालूम पड़ गया, तो इसलिए वो, क्योंकि वो शायद इजी जेटेक प्लस में खाली सैमसंग का ही है। अच्छा, क्लासिक टूल में मैं कभी देखा नहीं, तो आप बोले आज इसलिए मैं पूछा, कल मैं एक बार ट्राई करूंगा। जी, तो क्लासिक टूल को हम कम यूज करते हैं, वो थोड़ा सा हार्ड लगता है इसलिए। हाँ हार्ड ही लगता है मुझे भी, मैं खाली तो आरपीएम भी क्लीन के लिए करता हूँ, क्योंकि उसका ऑप्शन बहुत सारे ज्यादा है, उसमें नैंथ का भी है ना, वो आईफोन का नैंथ का भी है, वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं एक दो को ट्राई किया लेकिन वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है नैंथ उसमें। अगर आप सीखना पसंद करोगे तो वो सारे ट्रिक्स मेरे पास है, उसके अंदर है ना हिडन फ्यूचर बहुत है, छुपे हुए क्लासिक टूल। हाँ हाँ, तो थोड़ा लार्ज है प्रोग्राम। जी सर, 100%। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास और हमारा क्लास, हमारा पढ़ाने का तरीका और जो ट्रिक्स है वो समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे सर। जी
सर मेरे पास सर म्यूजिको बॉक्स है सर आईफोन का जी। कौन सा बॉक्स है? मैजिक प्रो? नहीं सर मैजिको। हाँ जी बोलिए सर। वो सर यूज कैसे होता सर बता सकते हैं? ठीक है बता दूंगा, बस मैं फ्री होना चाहिए। आप बता देता हूँ मैं, आप मुझे है ना एक मंडे को कॉल कर लेना, मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम पे आपको टीम यूवर से छोटे मोटे ट्रिक्स बता दूंगा दोस्त। ठीक है, आपने यूज नहीं किया कभी उसे? सर उसमें सर दिखा तो रहा सर कि रीड करना है राइट करना है, पर उसमें बैड हेल्थ कैसे निकलेगा सर वो समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं बता दूंगा दोस्त, चिंता मत, क्योंकि सर अभी उसमें सर आईफोन में सर एरर 9 एरर 7 24 बहुत आ रहा है। चलो मैं वो कोशिश करूंगा कि बता सकूं आपको। ठीक है, सो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सही लगा होगा। आप बस ऐसे ही क्लास से बने रहिए, कल छुट्टी होगी, कल संडे है, कल पूरा दिन मैं फाइल के सर्वर पे ऊपर काम करने वाला हूं, तो कल छुट्टी है। मंडे को हम जुड़ेंगे, मंडे को हम UFI बॉक्स शुरू करने वाले दोस्तों, और UFI में डीप में ट्रेनिंग लेंगे। आवाज आ रही है जी? और UFI में डीप में ट्रेनिंग लेंगे। और योगेश भाई मुझे मालूम है आपको क्या पूछना है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप मुझे लगा तो मंडे को 2 बजे फोन कीजिए, मैं बस ट्रिक बताऊंगा, करना नहीं करना वो आपकी मर्जी। हाँ आंसर भाई जी, वो खत्म नहीं हुआ है, इंजीनियरिंग फाइल को कैसे बनाते हैं, लेकिन ट्रिक तो बता दिया है, शायद आप ट्राई तो करो। ठीक है, अब चिंता मत कीजिए, लेकिन अभी 12 बज गए दोस्तों, आपके घर वाले और मेरे घर वाले शायद मुझे लगता है बाहर निकाल देंगे, इतने देर से क्या चल रहा है। आपके घर वाले, गुड नाइट दोस्तों, आज के लिए बाय बाय, टाटा मिलते हैं दोस्तों मंडे को 9 बजे। सर मंडे के दिन दूसरा ग्रुप में ऐड करेंगे सर हमको UFI का, सॉरी आज ऐड हुआ सर मैं ग्रुप से। सर यही ग्रुप कंटिन्यू रहेगा, कोई अलग ग्रुप नहीं होता है, यही ग्रुप है, यही फैमिली है, एक दूसरे के साथ ही है। ओके सर, प्रवीण भाई आशा करता हूँ कि आपको आज का क्लास सही लगा होगा। सर 100% सर, बहुत एक्चुअली ना सर मैं आपसे मिलने बहुत ये करता हूँ सर, मतलब जी जी जी। सो आई होप दी क्लास चाला बाउंदा। हाँ बाउंदी सर, चाला बाउंदा। बाउंदे बाउंदी सर, चाला बाउंदा। थैंक यू वेरी मच। क्या मतलब क्या है सर? ऐसा उनको बोला कि आज का क्लास सब ठीक ठाक होगा, ऐसा आपको मुझे लगता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मराठी है क्या? कौन? तेलुगु है ना? मैं मराठी हूँ दोस्त। आप तो मराठी है, अभी तेलुगु में बोले ना आप, इसलिए बोल रहा क्योंकि मैं हैदराबाद का हूँ ना, इसलिए मेरे को लगा कि तेलुगु है। जी जी, ये सर तेलंगाना से, प्रवीण कुमार। अच्छा, मैं भी हैदराबाद से हूँ ना, इसको। जी जी, बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों, ऐसे ही मिलते हैं मंडे को, बाय बाय दोस्तों। ओके सर, गुड नाइट सर।